मुझे लगता है कि मुनव्वर जीत सकता है. सो आई विल नॉट इवन कंपेयर मुनव्वर एंड पायल. मुनव्वर इज cunning, he's smart, he's manipulative, everything that's required for the game. It takes time to recalibrate to new humans, you know. And wahi I'm sure Munawar aur Anjali ke saath bhi ho raha hoga. If Anjali has told Munawar that she loves him, I'm sure she does and I'm sure that he loves her too. Rules bhi follow karti thi, chahe wo jhaadu pocha bartan kuch bhi ho, wo sab kuch karti thi. मेरे शैम्पू के लिए मैं भूख हड़ताल नहीं करूंगी. वो ऐसे नहाना जहाँ पर दरवाजा ही ना हो, लगे कि कभी भी ये उड़ सकता है या कुछ भी हो सकता है. इससे पहली रात तो मैं बेड पर सो भी नहीं पाई, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कैदी. हाय आरती. हाय हाय निशा. हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड. या ओके, सो यू नो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टेली रिपोर्टर निशा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आरती. ओके निशा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यू नो आपने कविश को लॉकअप में बहुत मिस किया, यू नो हाउ उनका रिएक्शन किस तरह से था जब आप उनको फर्स्ट टाइम मिली, यू नो जब आप लॉकअप के बाहर आई? जब मैं लॉकअप के बाहर आई तो उनका सोने का टाइम हो गया था एंड बाय नाउ एवरीबॉडी नोस दैट आई डोंट लाइक टू स्पॉइल हिज रूटीन. तो अगले दिन सुबह जैसे ही वो उठे तब हमारी मुलाकात हुई एंड ही वाज लाइक दिस बाउंसी बॉल, यू नो लाइक so chirpy and so happy and I was so happy and then we danced and we played music and utte hi hamara wo sab hua aur uske naye toys aur uske cycle chala ke usne mujhe dikhai aur you know wo sari cheeze jo maine miss ki thi in 36 days mein when I was away from him and coincidentally us din Sunday tha to main unke sath bahut waqt bita payi, unki chutti bhi thi and I took him to the mall and I took him to you know to this bouncing park and you know all those things and we had pizzas together. You know, made a lot of memories and selfies and all. तो वही सब कुछ हुआ और सबसे खुशी की बात मेरे लिए यही थी कि you know मैं काविश को मिल पाऊंगी. ओके, कहीं ना कहीं यू नो जेल की आदत अभी यू नो वो रूटीन थोड़ा बहुत जो आपकी डेली लाइफ में भी आ चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली वो सुबह सुबह उठना एंड दैट अनॉइंग नॉइज जो यू नो वो जेलर्स भाग के बजाते थे, यू नो डू यू मिस ऑल दैट नाउ? बिकॉज डेफिनेटली बैक टू द रूटीन मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब आदत हो गई होगी आपको जेल की. या यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे जेल की आदत हो गई थी कम्प्लीटली. इसलिए पहली रात तो मैं बेड पर सो भी नहीं पाई, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कैदी हूँ और जेल से छूट कर आई हूँ और पता नहीं मैं डिजर्व भी करती हूँ एक सॉफ्ट बेड पे विद सॉफ्ट कूल्ट एंड पिल्लोज पर सोना या नहीं. एंड मैंने बहुत मिस किया, मैं जमीन पर ही सोई थी पहली रात एंड बस सुबह जो वो डंग डंग की आवाज से मैं उठती हूँ वो मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया. मतलब वो अच्छा वाला मिस था कि थैंक गॉड अब उससे नहीं उठना पड़ रहा, बिकॉज दैट वॉज यू नो ब्रिंगिंग सो मच एंग्जाइटी टू एवरीबडी. और वो लाइट्स में सोना पूरी रात और वो इतनी ज्यादा ठंडी, बिकॉज दैट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अत्याचार. तो वो बाथरूम, वो ऐसे नहाना जहाँ पर दरवाजा ही ना हो, लगे कि कभी भी ये उड़ सकता है या कुछ भी हो सकता है. और नहाते वक्त भी वो लोग एसी ऑन कर देते थे अंदर का. सो आई मीन द अत्याचार वाज एट अ डिफरेंट लेवल, बट मिस तो कर रही हूँ डेफिनेटली. अब धीरे धीरे आई एम गेटिंग बैक टू माय लाइफ, बट जेल में भी जो मैंने मिस किया, यू नो गेटिंग माय हेयर डन एंड गेटिंग माय नेल्स डन एंड ऑल, वो भी मैंने सब सारी कसर पूरी कर ली आके जल्दी जल्दी. सो बट यू आपको सामान नहीं मिलता वहां पे, बहुत अच्छे से. तो क्या लगता है क्या कमी रह गई तो आपको जेल से बाहर आना पड़ा? मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी. जब मैं दोबारा मुड़कर देखती हूँ अपनी जर्नी में को, तो मैं देख रही हूँ जैसे फीडबैक आपसे मुझे मिल रहा है और लोगों से प्यार मिल रहा है, तो डेफिनेटली इट वाज अ 360 डिग्री एक्सपीरियंस फॉर मी. मैंने सारे रूल्स फॉलो करने की कोशिश की, सिर्फ तब तक ही मैं रूल्स नहीं, मतलब आई वुड ओनली इन प्रोटेस्ट नॉट फॉलो द रूल्स अगर मुझे लगता था कुछ अन्याय हो रहा है या यू नो अपने लिए फाइट करने की जरूरत है, जैसे पहली बार भूख हड़ताल हुई थी बिकॉज बेसिक एसेंशियल्स ही नहीं मिल रहे थे. बट फिर धीरे धीरे समझ में आ गया यू नो अबाउट दैट इट वॉज अ पार्ट ऑफ द अत्याचारी जेल. बहुत सारी चीजें थी, जैसे बबीता जी को आइस पैक नहीं मिल रहा था, उनको नी के इश्यूज थे, उनके शूज नहीं मिल रहे थे. तो पहले मैंने समझने की कोशिश की कि इज इट इवन जस्टिफाइड टू प्रोटेस्ट. तो सब लोगों के बहुत ही रीजनेबल डिमांड्स थी और मैंने कहा कि सब लोग अपने अपने डिमांड्स कैमरा के सामने आके बोल दो और वरना मैं भूख हड़ताल करूंगी. मेरी डिमांड में सिर्फ एक शैम्पू और फेस वॉश था जो मैंने कहा था कि अगर सबके एसेंशियल्स मिल गए तो सिर्फ मेरे शैम्पू के लिए मैं भूख हड़ताल नहीं करूंगी. एंड आ भी गया, फिर बहुत सारा सामान आ भी गया था.
and but yeah, it was amazing. I mean, I was emotionally engaged with people. I was creating nice memories too. रूल्स भी फॉलो करती थी, चाहे वो झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी हो, वो सब कुछ करती थी. सो इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी. जो मुझे गलत लगता था उसके खिलाफ मैं आवाज भी उठाती थी, बेकार के पंगे नहीं लेती थी जहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जहाँ सिर्फ कैमराज के लिए आप कर रहे हो. बिकॉज ऑब्वियसली पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, यू नो, वेन यू आर ट्राइंग टू बी फेक, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक रियलिटी शो है और उसमें अगर आप एक फिक्शनल एंगल लाने की कोशिश करोगे तो पीपल अंडरस्टैंड. ऑडियंस इज स्मार्ट एंड दे हैव एक्सपोजर टू ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स टुडे, यू नो. सो मेरे लिए मैंने अपना कंप्लीट सेल्फ दिया. आई प्लेड विद माई हार्ट. शुरू में जो ये बातें सुनते थे, नहीं दिस इज अ गेम ऑफ द माइंड, कोशिश की मैंने एक आध हफ्ते, बट मैंने कहा मेरा माइंड भी मेरे दिल की बात ही सुनता है तो मैं तो दिल से ही खेलूंगी. सो आई हैव नो रिग्रेट्स. आई डोंट थिंक देर इज एनी कोर्स करेक्शन की अगर मैं दोबारा गई तो मैं ये इस तरीके से डील नहीं करती या इस तरीके से करती, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई हैव नो रिग्रेट्स. माई फैमिली इज प्राउड ऑफ मी, माई फ्रेंड are proud of me. I'm getting so much love from everybody and that's what matters. So okay. After your eviction, you know, ghar mein bahut bada badlav aa chuka hai. Payal and Munawar ab blue block mein ho gaye hain and unfortunately Anjali ko blue box chhodke, you know, jana pada hai orange team mein. So kya kehna chahenge is baar, because humne hamesha hi Munawar aur Payal ko, you know, ladte hue dekha hai ghar mein. Ab dono ek saath ek team ko represent kar rahe hain aur is baat pe, you know, Anjali bhi kafi zyada disappointing ho gayi thi. Bahut roi bhi hai wo jab unhe orange block mein you know shift kiya gaya. Kya kehna chahenge is baar? Aapko kya lagta hai kis tarah ka hone wala hai abhi? So now that you said it, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हुआ है. मैं जिस दिन तक गई थी उस दिन ये नहीं हुआ था. एंड ये बहुत अच्छी बात है. शुरू में जब बदलाव आता है तो आप मिस करते हो, स्पेशली अंजलि और मुनावर डे वन से एक ही ब्लॉक में थे और यू नो दे गॉट टू बॉन्ड मोर देन अदर्स. ऐसा होता है जो शुरू शुरू में जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, जिस साथ भी, जैसे मेरे लिए सारा, शिवम, तहसीन और साइशा थे, यू नो, हम शुरू से ही एक साथ थे. फिर जब वो टीम स्वॉप हो गई और सारा और मैं अलग अलग टीम्स में हो गए तो इट टेक्स टाइम टू रिकैलिब्रेट टू न्यू ह्यूमंस, यू नो. एंड वही आई एम श्योर मुनव्वर और अंजलि के साथ भी हो रहा होगा. बट एक पॉइंट ऐसा था जब, अगर आपको याद हो, जब अंजलि कोई भी टीम में नहीं थी, किसी ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया, केवी लीडर थे, तो तब अंजलि बहुत कीन थी कि वो ऑरेंज ब्लॉक में आए और मैं भी तब ऑरेंज ब्लॉक में थी. Because I remember she said something like, because I want to shine. Aur wahan par, you know, unhe wo mauka, wo opportunity nahi mil rahi thi, because she's really good at her tasks and, you know, she gives her 100%. So I'm sure unhe takleef ho rahi hogi, but come on, it's just a barrack cover. You can look at each other, you can still hang with each other. Sirf tasks hi alag hote hain. But otherwise, so mushkil dusri cheez ye hoti hai jab aap chart sheet mein apni team se kisi ko nahi dalna chahte ho. But by now I think people game us padav pe pahunch chuka hai where it's more about an individual game than a team game. Okay. Kya lagta hai Payal aur Munawar jab ab saath aa gaye hai to kya lagta hai, team utne hi, you know, flawlessly chalegi ya fir ab thode bahut man mutav ho sakta hai? Because definitely dono bhi opposite personalities hai aur game mein inki thinking kabhi match nahi kar rahi hai. सो पायल आई डोंट टेक वेरी सीरियसली एज अ प्लेयर ऑफ द गेम. उनका अपना मुद्दा है कि हफ्ते दर हफ्ते मैं क्या क्रिएट करूँ ड्रामा ताकि मैं एक और हफ्ता सर्वाइव कर पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है एज अ प्लेयर. सो आई विल नॉट इवन कंपेयर मुनव्वर एंड पायल. मुनव्वर इज कनिंग, ही स्मार्ट, ही इज मैनिपुलेटिव, एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड फॉर द गेम. जो कुछ भी वो करते हैं वो गेम के लिए करते हैं, बट ही अल्टीमेटली डज हैव अ वेरी ह्यूमन साइड टू हिम एंड यू नो. तो और बाकी दोनों के एक टीम में रहने का जो सवाल है वो तो पहले भी थे. सबसे पहले वो लोग ऑरेंज टीम में, पायल और मुनव्वर एक ही टीम में थे, केवी भी एक टीम में और अंजलि भी सब एक टीम में थे. सो आई डोंट थिंक सो. आई मीन पायल विल जस्ट कीप बीइंग पायल वेदर व्हिचएवर टीम शी इज इन. सो ओके इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस निशा, आपके यू नो इलेक्शन के बाद एक और चीज भी हो गई है कि कहीं ना कहीं यू नो देयर इज लव इन लॉकअप, वी कैन से, बिकॉज़ अंजलि हैज फाइनली कन्फेस्ड हर फीलिंग फॉर मुनव्वर. शी एक्चुअली सेड आई लव यू टू मुनव्वर. ओ रियली? ओके या ओके इट्स क्यूट. व्हाट आई थिंक, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? डू यू थिंक यू नो के कहीं ना कहीं ये एक शो का कॉन्सेप्ट हो रहा है या फिर दे रियली फॉर ईच अदर, बिकॉज़ यू हैव बीन विद देम? They are very, very good friends, okay? And they stand for each other. They back each other up. And now they're, if they're doing it for the game or they truly feel those kind of feelings for each other, I don't know, that they would know best. But mujhe aisa kabhi nahi laga unhe dekhke ki they were more than friends. So they are both smart players. Kai log aisa soch ke aate hain ki, you know, game mein ek love angle ho to you can go a long way. So like I said, Munawar is also a smart player and so is Anjali.
बट दे ट्रूली आर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर. आई एम श्योर दैट उन्हें देख के ऐसे लगता है दे विल बी इन टच विद ईच अदर व्हेन दे गो आउट. बट इफ अंजलि हैज टोल्ड मुनावर दैट शी लव्स हिम, आई एम श्योर शी डज एंड आई एम श्योर दैट ही लव्स हर टू, एंड आई डोंट सी मोर देन फ्रेंडशिप देयर एनीवेयर. दिस मुझे तो नहीं ऐसा फील हुआ. ओके ओके एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट इवन इफ देयर इज. ओह या ओके निशा, यू नो आप घर के अंदर थी तो यू वर द ओनली वन आई कैन से यू नो जिसका बॉन्ड सबके साथ अच्छा था एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द जेल वर रियली कंफर्टेबल विद यू. और आपने हमेशा यू नो पायल का साथ भी दिया है, बट समवेयर यू नो पायल ने कभी आपको इन रिटर्न वो सपोर्ट नहीं दिया. डू यू फील लाइक काइंड ऑफ अ बिट्रेड, और उनके बिहेवियर को देखकर के आपको ऐसा लगता है कि शी इज ओनली प्लेइंग द गेम इनसाइड द हाउस विदाउट एनी इमोशन? यस एंड नो. I do feel that she's only playing the game for herself. I do feel that she lacks emotions when it comes to bonding with other people, but maybe because of the person she is, maybe she doesn't want to invest emotionally in other people in a game, you know. So I mean that's up to her completely, right? Hame nahi pata ki Payal ki journey kya rahi hai zindagi mein, ki kya unhone sach mein kuch aise galat logon mein emotional investment kar di thi jinka result aaj ye hua hai. So she's detached. I don't know her journey, but I respect her the way she wants to play her game. Except a couple of things, because ye is chakkar mein kabhi kabhi she crosses the line and she leaves the line far behind, you know, when she goes personal with people, when she stoops to levels where she starts talking about dragging religion, politics, kuch bhi level tak wo ja sakti hain just to kind of make her point right, you know. But aisa hota nahi hai, dekhne wale ko aisa nahi lagta ki unka point right hai. And what else can I say? I mean, this is what I feel. Loved contestants I can't really say, because I don't think that Munawar has a bond with everybody. Wo dheere dheere apna bond banane ki koshish kar rahe hain, which is a good thing, because as humans we should try and bond with each other. And but yes, I believe that he does have a natural leadership quality. Jo log people kind of automatically give him that position because he's earned it. He has shown time and again that he is good for the game. His predictions, his manipulation work for the team and work for individuals. So I believe that's how he's gotten that natural leadership position, you know. So yeah, sure, I agree with Kundra. According to you, you know, aapko kya lagta hai kaun jeet sakta hai lockup? And adding to this, how has lockup changed your life now? Okay, so these are two questions. First, I'll say that मुझे लगता है कि मुनव्वर जीत सकता है. मैं चाहूंगी कि शिवम जीते, because he's a nice guy and putting in a lot of effort. उसके अलावा how lockup has changed me, it has humbled me. It has made me realize that more respect for people जिनकी lifestyle का ये एक part है, you know, जमीन पर सोना या पानी भरने के लिए लाइन लगाना या फिर यू नो एक लिमिटेड टाइम में चीजें करना. सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. फर्स्ट हैंड अब मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है. बट इतनी सारी सिचुएशंस और टास्क और प्रेशर और फिजिकल चैलेंजेस में आपको रखा जाता है कि आपका ट्रू सेल्फ सामने निकल कर ही आएगा. आप बच नहीं सकते. एक दो हफ्ते, तीन हफ्ते आप फेक रह सकते हो, फिर अल्टीमेटली यू नो द ट्रू सेल्फ कम्स आउट. एंड आई फील दैट आई नो माई सेल्फ बेटर नाउ. जो मुझे लगता था कि मैं जैसी हूँ और जो अब मैं निकल कर आई हूँ, मुझे लगता है कि वो जर्नी मैंने तय की है. एंड लुकिंग एट माई ओन सेल्फ नाउ, आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द चैलेंजेस दैट माइट कम यू नो इन माई लाइफ इन द फ्यूचर. Okay, Nisha, I would like to take a last question from you. And, you know, it is like ke Mandana ne recently a comment kar diya hai on, you know, Munawar parents. Jab unko jail ki saza mili thi, she didn't took the saza. Wo bahar ghoom rahi thi. So when Munawar went and he said ki aapko wapas jail mein jana chahiye, because aapki saza hai wo. So he said ke, you know, wo unki baap ki jail nahi hai, which definitely made Munawar angry. What do you think about this? Is tarah ke, you know, parents pe jana, personal comments karna, is it fair for anyone? And coming it from Coming from Mandana is expected. I don't expect anything better from her. She says anything. She's not even in, like, I had stopped arguing with her. She was the only contestant in the jail jisko maine bola tha, do me a favor, don't talk to me, because I couldn't understand what she was saying. Uska koi sar pair nahi hota tha. Shuru mein I would engage her and get, you know, I mean, start talking to her and arguing with her, but uske baad mujhe pata chala that is cheez ka koi sar pair hi nahi. So I don't even want to comment on Mandana. Saying stuff, parents को involve करना और personal होना मुझे नहीं लगता it's a good thing. But लोग ये इसलिए करते हैं ताकि दूसरे इंसान को trigger कर पाएं. सबको पता होता है कि parents के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो trigger point होगा ही होगा.
सो सेइंग स्टफ लाइक तेरे बाप की जेल है या नहीं है, आई मीन आई थिंक शी जस्ट सेज दिस फॉर इफेक्ट, यू नो उसका कुछ वो नहीं है, सो आई डोंट इवन नो व्हाट टू से ऑन हर. या After lockup, what next, and what do you have to say about viewers, because they have loved, they have showered immense love on you. I cannot have more gratitude than this. I mean, I feel so humbled, I feel so loved, and I feel so special ki itna sara pyar mujh par log shower kar rahe hain चारों तरफ से, चाहे मैं लोगों को इन पर्सन मिलूं या मॉल में बम्प करूं या सोशल मीडिया पर या आपके थ्रू फैमिली के थ्रू, कि I'm just, you know, I'm so happy that I went to lock up because I could come out a winner and I won so many hearts and I touched so many people and so many people can relate to me. So I just can't thank God enough for this experience. Thank you so much, Tisha. It was really lovely talking to you and all the best for your future journey. Thanks, Aarti. Lots of love back. Bye.